मैम क्या पढ़ाई है आज? क्या दीदी मैम एबीसी की पढ़ाई है? थोड़ा बहुत जो पीकॉक मीन्स क्या होता है, तो डुगो को पीकॉक मीन्स बी मीन्स। और गाइस अभी इतनी तेज हवा चल रही है, अभी पता नहीं ऐसा वाला मौसम है, मुझे बहुत डर भी लगता है। वैसे ही है, उसको भी धूप लगता है, बट मैं छाता लेकर जाती हूँ, फिर वजह से मेरा पूरा ये सर दर्द हो रहा है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वो जस्ट स्कूल से आ रहा है और अपना पियानो लेकर बस बैठ गया है, बजा रहा है। इसका ये फेवरेट टॉय है, जो पियानो बोलो, ये जो पियानो है वो इसका फेवरेट है। ये हर टाइम बजाता रहता है, चाहे आपको अच्छा लगे नहीं लगे, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। लोगों को बस पियानो चाहिए। और मेरे हाथ में देख रहे हो पैसा, ये जब हम आते हैं लोगों को स्कूल से लेके, क्योंकि मेरे हस्बैंड छोड़ के जाते हैं स्कूल और मैं जाके लेकर आती हूँ लोगों को। वहाँ पे पास में ही एक शॉप है, वहाँ डुगो मेरे से पहले डुगो पहुँच जाता है और जाके बोलते हैं अंकल या चॉकलेट बोलेगा या फिर चिप्स लेगा या फिर मतलब ऐसे चॉकलेट ज़्यादा ही मांगता है। बट अब जाके खड़ा हो जाता है तो मैं भी मना नहीं करती हूँ, क्योंकि चॉकलेट से अच्छा है कि इसको एक फ्रूटी दे दो, तो 10 वाला ही फ्रूटी, क्योंकि इसमें कम ज़्यादा नहीं होता है, कम होता है, तो 10 वाला फ्रूटी खरीद के मैं दे देती हूँ। पूरे रास्ते पीते पीते और घर पहुँच जाता है, तो डेली का ही है। और अंकल भी जो है वो शॉप वाले, वो भी पहचान गए हैं इसको, तो वो भी इसको बहुत अच्छे बहुत मानते हैं, खिलाते भी हैं, और उसके बाद इसको फ्रूटी दी है, एक दिन चॉकलेट। कभी चॉकलेट तो मैं बहुत कम देती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि इसको फ्रूटी यानी कि थोड़ा सा जूस भी जाएगा। चॉकलेट से तो अच्छा ही है कि चलो जूस पी लें, मैं दे देती हूँ। और जस्ट अभी आ रहे हैं हम, मैं अभी भी बस कपड़े जाकर अभी चेंज करूँगी, नहा के फटाफट मैं गई थी डुगो को लाने। और डुगो के पापा जो है वो ऑफिस चले गए हैं, और अभी मैं जाके डुगो का ड्रेस वगैरह जो भी है वो चेंज करूँगी। नहीं बेटा, डुगो का जो ड्रेस है मैं चेंज करूँगी, उसके बाद से फिर डुगो को पहनाऊँगी घर का कुछ हल्का कपड़ा, उसके बाद से फिर हम खाना वाना खाएँगे। और धूप, इतनी ज़्यादा धूप है, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा धूप है, तो धूप से हम लोग वैसे ही परेशान हैं। मेरा बेटा दूध पीना है, पराठा खाए हो तुम? मैम खिलाएंगे ना पराठा तुमको? बनाना खाना है? ओके, अभी स्कूल से आए हो, दो मिनट रुक जाओ, कपड़ा चेंज करके फिर बेटा बनाना। हाँ चलते, पहले ड्रेस चेंज करना है बेटा। मम्मा क्या बताइए, मम्मा क्या सिखाई? यहाँ आ जा। मम्मा ने क्या कहा कि पहले स्कूल से आके ड्रेस चेंज करते हैं, उसके बाद से ड्रेस चेंज करना है बेटा, आ जा। तो डुगो को बनाना बहुत ज्यादा पसंद है, डुगो को बनाना बहुत ज्यादा पसंद है। और डुगो बनाने के लिए मम्मा को पूछ कर लूंगी, पहले प्यार करो। मैं मम्मा को परेशान कर रहा हूँ, अच्छा चलो सबको बता दो आज स्कूल में मैम क्या पढ़ाई है, जल्दी बता दो कि मैम क्या पढ़ाई है आज? एबीसीडी। मैम एबीसीडी पढ़ाई है? तो जल्दी से सुना दो एबीसीडी, जल्दी से सबको बता दो। अच्छा ये बता दो, एबीसीडी तुमको आता है, जल्दी से ये बता दो। बी मीन्स मधुमक्खी। ओए पूरा तो मुंह में डाल दी डुगू, गंदी बात। तो डुगू को आजकल हम लोग थोड़ा बहुत जो पीकॉक मीन्स क्या होता है, तो डुगू को पीकॉक मीन्स बी मीन्स और पैरोट। तो डुगू का भी ड्रेस वगैरह चेंज करके फिर हम खाना वाना खाएंगे। अब तो बनाना बंदर ले गया, वो बंदर का खाना होता है ना, जाके देखो नहीं है बनाना, जाओ। सो गाइस चलिए चलते हैं, अभी कपड़ा वगैरह चेंज करते हैं, फिर खाना खा के और फिर आप लोगों से मिलते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद। इतनी तेज हवा चल रही है अभी, मतलब तूफान आया है अभी अचानक, शाम के बज रहे हैं 5 और भयंकर वाला हवा चल रहा है अभी अचानक से। मौसम एकदम ठीक था, दोपहर तक इतनी तेज़ धूप हुई थी, बट अभी अचानक से इतनी तेज़ हवा चल रही है, और मतलब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ उड़ा के ले जाएगा, ऐसा वाला मौसम हो गया है। और
पता नहीं ऐसा वाला मौसम है, मुझे बहुत डर भी लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है, बट क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। जस्ट बाहर कपड़ा रखा हुआ था, मैं जस्ट अभी उठा के और ले आई थी अंदर कि चलो रख लेती हूँ, क्योंकि मौसम हल्का हल्का ख़राब हो रहा था, बट अचानक से इतना मौसम ख़राब हो जाएगा बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं था। और बहुत मौसम अच्छा है, बारिश हो अच्छी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी थी दिल्ली में, बट ये जो तूफान है ना, बस इससे थोड़ा डर लग रहा है, बस ये हवा थोड़ा कम हो जाए, बाकी बारिश हो, क्योंकि बारिश होनी भी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, हम पूरे दिन पूरे रात एसी चला के ऐसे रह रहे हैं, सिर्फ गर्मी की वजह से डर भी लग रहा है, बहुत अच्छा वाला मौसम बोल सकते हो और डर भी लग रहा है। मैं गेट को बंद कर लेती हूँ, धूल भी उड़ रहा है, तो पूरा का पूरा गंदा जो है वो हमारे रूम में आ जाएगा, इसलिए मैंने सब कुछ पैक करके रखा है, नहीं तो फिर मुझे दोबारा मेहनत करना पड़ेगा, सब कुछ साफ़ करना पड़ेगा। वैसे तूफ़ान है, हवा चल रहा है, तो थोड़ा बहुत गंदा होगा ही, बट बहुत ज़्यादा ना हो, इसलिए मैं सब कुछ बंद करके रखी हुई हूँ। थोड़ा साफ देख रहा हूँ, अंधेरा भी, क्योंकि डुब्बू अभी सोया हुआ है, इसलिए मैंने पूरा लाइट वाइट ऑफ करके रखा, क्योंकि अगर मैं लाइट जला दूँगी तो फिर डुब्बू उड़ जाएगा। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, हे एवरीवन, सो डुब्बू भी उड़ चुका है और मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, पता नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब होता नहीं, कभी कभी आपको धूप लग जाता है तो अजीब सा हो जाता है मन मेरा, पूरा ये सर जो है ना वो पूरा दर्द हो रहा है, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ। मैं सोच रही हूँ डॉक्टर से मिल लूँ, क्योंकि अभी जो मौसम है ना, क्योंकि डुब्बू को मैं जाती हूँ स्कूल से लेने, मतलब पूरा नेट 12 बजे डुब्बू को मैं लेकर आती हूँ, क्योंकि डुब्बू का क्लासेस ही उस समय ओवर होता है, तो मैं लेकर उस टाइम ही लेकर आती हूँ, तो मुझे पता है कि डुगू को भी वैसे ही है, उसको भी धूप लगता है, बट मैं छाता लेकर जाती हूँ, फिर भी पता नहीं कैसे मुझे धूप की वजह से मेरा पूरा ये सर दर्द हो रहा है। और जो नौरत्न तेल होता है वो मैंने कल लगाया था, जनरली मैं लगाती नहीं, उसका इसमें मुझे बहुत ज़्यादा वो लगता है, अच्छा नहीं लगता, तो ये मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे, बस यहाँ पे पेन हो रहा है। तेल मैं रात में लगाई थी कल, तो थोड़ा सा आराम लग रहा था, बट फिर से स्टार्ट हो गया वैसे ही, तो मैं सोची कि डॉक्टर को दिखा लेती हूँ। और इस वाले हाथ में भी पेन वैसे ही हो रहा है, पूरा ये उंगली देखो जिसमें मैंने रिंग फिंगर है उसके नीचे जो ये जो हड्डी होती है ये भी ऐसे मतलब मुड़ नहीं रहा है, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। ये देखते हैं, थोड़ा सा डॉक्टर से भी मिलना है, और क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं बहुत दिन तक ऐसे रखना नहीं चाहिए इसको, तो मैं सोची एक बार डॉक्टर से मिल लूँ। और सर भी दर्द हो रहा है, धूप की वजह से हो रहा है सर दर्द, चाह रही हूँ मैं आपको प्लीज़ चाय बना लें, क्योंकि थोड़ा सा चाय का भी एडिक्शन है मेरे अंदर, वो है कि शाम में चाय चाहिए चाहिए, तो शायद मैं चाय पीऊँ थोड़ा सा अच्छा लगे, बट ऐसा होता ना गर्मी के मौसम में, मतलब चाय भी पीने का मन नहीं हो रहा है, ऐसे हो गया है। तो देखती हूँ आज, ऐसे तो दो तीन दिन ऐसे हो गए कि शाम में मैं चाय बना ही नहीं रही हूँ, मेरा मन ही नहीं कर रहा चाय पीने का सिर्फ गर्मी की वजह से, बट आज मैं बनाऊँगी, थोड़ा सा आराम लगी क्योंकि सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बाद में जाकर थोड़ा सा मालिश करूँगी। और तेल और डुग्गू भी उठ गया है, डुग्गू भी सोया था, आपको पता है कितना तेज़ आंधी तूफान आया था, और ठीक है मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया तो अच्छा है, थोड़ा सा हवा चलना चाहिए ऐसे, बारिश और थोड़ी देर बारिश हो के छूट जाना तो वो और ज़्यादा ख़तरनाक है, और भी ज़्यादा गर्मी होने लगती है, तो बस यही चल रहा है। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा मेरा, हस्बैंड मेरे ऑफिस गए हैं और डुगो भी उठ गया खेल रहा है, मैं थोड़ी देर बाद डुगो के लिए ओट्स बनाऊँगी, डुगो को ओट्स खिलाऊँगी, तो फिर चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। मैं जा रही हूँ अभी थोड़ा अपने लिए चाय बना लूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि चाय पीने के बाद ही मेरा जो सर का दर्द है थोड़ा सा ठीक होगा। तो यहाँ पे पी रहा है डुगू पानी, और डुगू के लिए यहाँ बन गया ओट्स, आज फिर मैंने बनाया है डुगू के लिए ओट्स, और डुगू को भी खिलाना है ओट्स, क्योंकि डुगू ओट्स खाता है अच्छे से, मन से खा लेता है, तो मैं एक दिन छोड़ के दूसरे दिन बना लेती हूँ, कभी तो ऐसा होता है कि डेली हो जाता है, डेली बना लेती हूँ, कल भी मैंने बनाया था, आज भी बनाया हुआ है मैंने, और अभी डुगू को खिला के फिर मैं जाऊँगी खाना बनाने।